आप बताइए ना, मेरा नाम आरिफ है, उसके बाद मेरी मर्जी मैं आपकी दुकान से लूँ या ना लूँ। नाम रखो कि वैष्णो ढाबा, उसमें खाना बना रहा है अब्दुल, कैसे चलेगा मैडम? एक बात बताइए, तो खाने पे थोड़ी लिखा है मुस्लिम हिंदू। ये ना, ये थूक के खिला देंगे, कांवड़ियों की कोई आस्था है कि नहीं है? ये वही ओवैसी है, दो कोड़ी का आदमी जो कहता था कांवड़ यात्रा में डीजे का क्या काम है, अभी बोल रहा है कि कांवड़ के अंदर ये वो दिस दैट। बेटा सुनो, आप ये डिसाइड करो कि नमाज 9 बजे पढ़नी है, 6 बजे पढ़नी है, 10 बजे पढ़नी है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी कांवड़ यात्रा में दो कोड़ी का आदमी बोलने वाला कौन है? मेरे को बिल्कुल जानने का अधिकार है कि मैं जिस दुकान से सामान ले रहा हूँ वो अब्दुल की है, कि कोई अभिषेक तो आकर के खड़ा होकर के नहीं बोल रहा कि मेरी दुकान पे अभिषेक लिखवा दिया, बहुत गलत हुआ मेरे साथ। ये अब्दुल वाले क्यों ज्यादा इनके मिर्ची लग रही? मुस्लिम व्यक्ति की इकोनॉमिक जो हेल्थ है वो खराब नहीं होगी इन 10 दिनों में कांवड़ में? मैडम एक बात बताइए ना, ये लोग तब क्यों नहीं सोचते जब ये लोग वैष्णो देवी में आतंकवादी हमलावरों का समर्थन करते हैं? अगर इतना ही आपका भाईचारा सबसे मजबूत है तो दे दीजिए काशी मथुरा, दिखाइए ना भाईचारा, तेल लेने चला जाता है वहाँ पर भाईचारा। लेकिन जब हिंदू को चारा बनाने की बात आती है तब भाई याद आ जाते हैं। ये वही ओवैसी है, दो कोड़ी का आदमी जो कहता था कांवड़ यात्रा में ये बाइकों का क्या काम है, जल तो शांति पूर्वक भी लाया जा रहा है। मैंने कभी बोला कि मुहर्रम क्यों होना चाहिए देश के अंदर? मैंने कभी बोला ईद में क्या काम है सवैया बांटने का? हमने कभी बोला आपको हिंदुओं के त्योहारों में भी शामिल होना है, आपको उनसे कमाई भी करनी है, आपको अपने ढाबे भी चलाने, होटल भी चलाना है, पर गर्दन किसकी काटनी है? हिंदू की काटनी है। बहन बेटी सत्कार किसके करना है? हिंदू का करना है। यदि आपके सामने कोई आके जय फिलिस्तीन के नारे लगाता है तो आप क्या करेंगे? कोई मेरे सामने आकर अगर जय फिलिस्तीन का नारा लगाता है तो उसको उसी की भाषा में जवाब दूंगा जिस भाषा में वो सुनना चाहता है। ये रपटा देखा है, ये इसराइल, इस पर नक्शा पे इस पर इसराइल छपाऊंगा और उसके गाल पे चिपका दूंगा। तब तक अल्पसंख्यक रहोगे वे? 20-25 करोड़ आबादी हो गई। बातों से समझेगा तो बातों से समझाएंगे, अगर लातों से समझेगा तो लातों से समझाएंगे। ये जय फिलिस्तीन क्यों भैया? ये वैष्णो देवी के अंदर जब हमला होता है उसके ऊपर आप लोग क्यों नहीं बोलते? संदेश खाली में बहन बेटियों के बीच चौराहे पर मारा जाता है उसके ऊपर आप लोग क्यों नहीं बोलते? चंद्रशेखर रावण जैसे नेता जो दलितों को अपनी आवाज बनाने का काम करते हैं, संदेश खाली में जब 100 से ज्यादा दलित बहन बेटियों के साथ बलात्कार करता है वो गुर्गा ममता बनर्जी का, तो उसके ऊपर फेविकोल का मजबूत जोड़, सब कुछ जोड़े, उसके आगे उनकी आवाज ही नहीं निकलती। नमस्कार, आप देख रहे खबरें भारत और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। दर्शकों, आज हमारे साथ एक युवा मौजूद है, अभिषेक ठाकुर इनका नाम है। इससे पहले आपने इनकी कई वीडियोस देखी होगी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हुए, बहुत बेबाकी से अपनी आवाज रखते आते हैं सोशल मीडिया पे, न्यूज डिबेट्स में अपना पक्ष बहुत मजबूती से रखते नजर आते हैं। आज हम इनके साथ बात करने जा रहे हैं बिहार के अंदर जो 3 डिफरेंट जगहों से जो तस्वीरें आई है फिलिस्तीन का नारा लगाते हुए, लॉन्ग लिव फिलिस्तीन, फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए जो तस्वीरें आई है, साथ में पप्पू यादव जो मुहर्रम के जुलूस में अपने आप को सम्मिलित करते नजर आए हैं, इस पे इनका अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? चलिए, क्या कहना चाहेंगे सर? आप सुन ही चुके हैं फिलिस्तीन के बारे में, आज चर्चा करने जा रहे हैं, संसद से लेकर सड़क, सोशल मीडिया, हर जगह फिलिस्तीन को लॉन्ग लीव की दुहाई मिल रही है, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? देखिए, संविधान हमें बोलने का अधिकार देता है, इसका मतलब ये नहीं आए बाएं साएं आप कुछ भी बकिए। संविधान आपको बॉडी एक्सप्रेशन का अधिकार देता है, इसका मतलब ये नहीं कोई भी झंडा उठा करके आप भारत के लोकतंत्र को गाली देने का काम करें। जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने खुला स्टैंड रखा है कि हम इसराइल के सपोर्ट में खड़े हुए हैं, तो ये देश विरोधी ताकतें, ये विशेष समुदाय के लोग जो अपने आप को शांति प्रिय समुदाय बताते हैं और आए दिन कोई ना कोई दंगा खड़ा करने का काम करते हैं, ये जय फिलिस्तीन क्यों भैया? ये वैष्णो देवी के अंदर जब हमला होता है उसके ऊपर आप लोग क्यों नहीं बोलते? संदेश खाली में बहन बेटियों के बीच चौराहे पर मारा जाता है उसके ऊपर आप लोग क्यों नहीं बोलते? आप लोग उस पर क्यों नहीं बोलते जब साहबानों का केस पलट दिया जाता है, एक महिला को उसको अधिकार से वंचित करने का काम करती है कांग्रेस पार्टी? आप लोग उस पर क्यों चुप हो जाते हैं? आप उस पर क्यों चुप हो जाते हैं जो बड़े बड़े नेता, चंद्रशेखर रावण जैसे नेता जो दलितों को अपनी आवाज बनाने का काम करते हैं, जिन दलितों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं, संदेश खाली में जब 100 से ज्यादा दलित बहन बेटों के साथ बलात्कार करता है वो गुर्गा ममता बनर्जी का, तो उसके ऊपर फेविकोल का मजबूत जोड़, सब कुछ जोड़े, उसके आगे उनकी आवाज ही नहीं निकलती। ऐसा सेल्लो का टेप लगाया है कि बिल्कुल चुप। ट्विटर पे दिखाइए एक ट्वीट संदेश खाली के ऊपर चंद्रशेखर रावण का, प्रियंका गांधी वाड्रा कितनी बड़ी नेता है, कद्दावर नेता है कांग्रेस पार्टी की, पूरे यूपी में इधर उधर घूम करके पूरे भारत में कहा 2024 में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन संदेश खाली पर नहीं बोलूंगी क्योंकि हमें इंडिया अलायंस बनाना है, हमें ममता बनर्जी को साधना है। अरे मैं किसी अरे गहरे नथु कहरे की बात नहीं कर रहा,
पिछली बार के रहे नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी जी बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में रक्त रंजित इतिहास हो गया है। ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रही है। पश्चिम बंगाल में डेली लोकतंत्र खतरे में है, पर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी को गाली देगी, लेकिन दिल्ली के अंदर फिर साथ में बैठेंगे। क्यों? गठबंधन करना है। तो इन लोगों की दोहरा चरित्र, दोगला चरित्र जनता के सामने है। आप समझिए ना, इस बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, इससे पहले अधीर रंजन चौधरी थे। अब मुझे यह बताया कि राहुल गांधी जी एक नंबर का झूठा इंसान है या अधीर रंजन चौधरी जी को पार्टी से बाहर निकाले कांग्रेस पार्टी, अगर वो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड सही नहीं ले पा रहे पश्चिम बंगाल के अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ जय फिलिस्तीन बोलना ये सोची समझी साजिश है। और ये दो चार इंच की अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक मानवतावाद कहते हैं इसको। मैडम अल्पसंख्यक क्या, एसटी ओबीसी? अल्पसंख्यकों के पास पूरे संसाधनों का हक है, उसके साथ साथ मानवतावाद का भी हक है। देखिए भारत के 140 करोड़ देशवासियों के पास, इस देश के अंदर संविधान उनको जीने का अधिकार देता है। जीने का अधिकार के मतलब नहीं होता है कि आप किसी को मार दीजिए, किसी के अधिकारों का हनन कीजिए। ये आपको कुछ अधिकार मिले हैं जिनसे आपके संवैधानिक रक्षा मिल सके, लेकिन ये कब तक अल्पसंख्यक रहोगे? वे 20-25 करोड़ आबादी हो गई। वो उसका छोटा भाई वहाँ से बोलता है अहमदाबाद से, तेलंगाना से, अरे हम 15 करोड़, अरे तुम 100 करोड़, आ जाओ देख लेंगे बराबरी होगी। ये अल्पसंख्यक बताता है खुद को, हाँ बेटा हम गए थे तेरे घर पे। ये 15 मिनट बोलता है, 19 मिनट खड़े होकर क्या है ओवैसी के घर के बाहर। ये दोनों भाईजान कहाँ दुपक के बैठे थे, अभी भी बाहर घूम रहे हैं, देख लो। संवैधानिक काम नहीं किया था, संवैधानिक है मैडम। संसद के अंदर लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन, आप वहाँ पर जय भारत बोलने में आपको दिक्कत है? हमने कभी नहीं बोला। आप कहते हो मत सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते, आप झुकिए सर, हमें कोई इतराज नहीं है। आप झुकिए जिसके आगे आपको झुकना पसंद होता है। जब उसने जय भीम बोला, जय मीम बोला और 3-4 नारे आनाप सनाप जो भी लगाए, मैं नाम भी लेना नहीं चाहता उन नारों का, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वो खड़े होकर के बोलता है जय फिलिस्तीन, मतलब तुझे भारत माता की जय बोलने में दिक्कत है? ये जय फिलिस्तीन से जीत के आया 2 करोड़ का आदमी, ये 2 करोड़ का आदमी बैरिस्टर नायक, कौन जननायक? ओवैसी जी। अच्छा ओवैसी जननायक है, सुनते हैं बेवकूफ है वो, 2 नंबर का, 2 करोड़ का इंसान है। आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, जिस भारत की जनता ने उसको वोट दिया, तेलंगाना से जीत करके आया, बोल जाए तेलंगाना, कोई दिक्कत नहीं है सर, हमारे भारत का हिस्सा है। फिलिस्तीन कब से भारत में शामिल हो गया बे? कैसी मानवता में तो शामिल है, मानवता धर्म में तो शामिल है। मानवता संसद के बाहर दिखाया ना ओवैसी, तो आप कौन से मानवता दिखा के आए थे उनके घर के बाहर? वो ट्वीट कर रहे हैं कि हमारी सुरक्षा पे सेंध लगाई जा रही है दिल्ली के युवकों के। तो मैंने तो ऐसी में तमाचा नहीं मारा, आपने ऐसी कोई वीडियो देखी कि मैं छोटे वो अकरुद्दीन बकरुद्दीन कुछ ऐसे ही उसका नाम है कि पता नहीं, मैं तो असुद्दीन ओवैसी का छोटा बकरुद्दीन वकरुद्दीन जो बोलता रहता 15 मिनट 16 मिनट, हम तो 19 मिनट खड़े होकर के आए। देखिए आपको कुछ ऊपर नीचे 19-20 लग रहा है? कुछ नहीं घटा हमारे अंदर। मैं कह रहा हूँ भारत है, 110 करोड़ हिंदू है इस देश के अंदर, यहाँ पर खड़े होकर जय फिलिस्तीन बोलेगा? अभी बोल रहा है कि कांवड़ के अंदर ये वो दिस दैट। बेटा सुनो, आप ये डिसाइड करो कि नमाज 9 बजे पढ़नी है, 6 बजे पढ़नी है, 10 बजे पढ़नी है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी कांवड़ यात्रा में 2 करोड़ का आदमी बोलने वाला कौन है बेटा? भी पोस्टर चिपकाए थे तो सांप्रदायिक मतभेद हो रहे हैं ना। देखिए कि नाम दिखाएंगे कांवड़ियों को, उसके बाद ही आपको कोई खाने का मिलेगा, बताइए, ये तो सांप्रदायिक मतभेद। पूछना चाह रहा हूँ, अब्दुल को अब्दुल बनने में क्या दिक्कत है? अब्दुल अभिषेक क्यों बनेगा, क्या दिक्कत है सर? आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है। अगर आप मेरी दुकान से कुछ खरीदना चाहते हैं, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है। आप किसी और की दुकान से खरीदने चाहते हैं, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन इस देश में सबसे बड़ी आस्था है कि नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला रामलला का डिसीजन देते हुए कि आस्था का विषय है। तो 140 करोड़ देशवासियों में से 110 करोड़ हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुँचाओगे? नाम रखो कि वैष्णो ढाबा, उसमें खाना बना रहे अब्दुल, कैसे चलेगा? मैडम एक बात बताइए, तो खाने पे थोड़ी लिखा है मुस्लिम हिंदू, ये ना ये थूक के खिला देंगे कांवड़ियों की कोई आस्था है कि नहीं है? आप बताइए ना, मेरा नाम आरिफ है, उसके बाद मेरी मर्जी मैं आपकी दुकान से लूँ या ना लूँ? ये तो मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है ना, ये तो संविधान हमें जानने का अधिकार देता है ना, ये तो हमारे को मूल अधिकारों में कि हम किसी भी चीज़ को जो हम परचेज करने जा रहे हैं, ग्राहक संतुष्टि अधिनियम यह बात बोलता है। आप जांच के परख के अपनी चीज़ें खरीदिए, तो क्या आप एक उपभोक्ता का अधिकार उससे छीनेंगे? मेरे को बिल्कुल जानने का अधिकार है कि मैं जिस दुकान से सामान ले रहा हूँ वो अब्दुल की है, कि कोई अभिषेक तो आकर के खड़ा होकर के नहीं बोल रहा कि मेरी दुकान पे अभिषेक लिखवा दिया, बहुत गलत हुआ मेरे साथ, ये अब्दुल वाले क्यों ज़्यादा इनके मिर्ची लग रही है? क्या एक मुस्लिम व्यक्ति की इकोनॉमिक जो हेल्थ है वो खराब नहीं होगी इन 10 दिनों में कांवड़ में?
मैडम एक बात बताइए ना, ये लोग तब क्यों नहीं सोचते जब ये लोग वैष्णो देवी में आतंकवादी हमलावरों का समर्थन करते हैं? ये लोग तब क्यों नहीं सोचते जब कश्मीरी पंडितों को भगाते हैं वहाँ से मार करके? तब ये नहीं सोचते कि पूरा भारत इनका विरोध करेगा? तब आवाज़ क्यों दबाई जाती है? ये लोग केरल के अंदर क्यों नहीं सोचते कि ये जो हिंदू के बहन बेटी है या हमारी भी बहन बेटी है उनके साथ बलात्कार करने का काम करते? ये लोग तब क्यों नहीं सोचते जब हमारे गोधरा के अंदर उन 52 लोगों की हत्या कर देते हैं, एक महिला के पेट में बच्चा, उसको सर तन से जुदा कर देते हैं? ये लोग तब क्यों नहीं सोचते कि हमारा बहिष्कार होगा? नहीं, ये सोची समझे रणनीति के तहत सब कुछ करते हैं। मतलब सारा इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरनगर का 10 दिन की कांवड़ यात्रा सही चलेगा। ये वही ओवैसी है 2 करोड़ का आदमी जो कहता था कांवड़ यात्रा में डीजे का क्या काम है, कांवड़ यात्रा में ये बाइकों का क्या काम है, जल तो शांतिपूर्वक भी लाया जा रहा है। मैंने कभी बोला कि मुहर्रम क्यों होना चाहिए देश के अंदर? मैंने कभी बोला ईद में क्या काम है सवैयाँ बांटने का? हमने कभी बोला कि ईद पर जामा मस्जिद से ही नमाज क्यों पढ़नी है? हमने कभी बोला? और इतना ही भाईचारा है अगर आपका हमारे साथ, तो सारे मंदिरों के पास पास मस्जिद क्यों बनाई? जगह तो बहुत थी भारत के अंदर, बनाते ना दूर दूर, दिखाते भाईचारा, सब में सटा सटा के क्यों बना दी भाई? अगर इतना ही आपका भाईचारा सबसे मजबूत है तो दे दीजिए काशी मथुरा, दिखाइए ना भाईचारा, तेल लेने चला जाता है वहाँ पर भाईचारा। लेकिन जब हिंदू को चारा बनाने की बात आती है तब भाई याद आ जाते हैं। आपको हिंदुओं के त्योहारों में भी शामिल होना है, आपको उनसे कमाई भी करनी है, आपको अपने ढाबे भी चलाने हैं, होटल भी चलाना है, पर गर्दन किसकी काटनी है? हिंदू की काटनी है। बहन बेटी का बलात्कार किसके करना है? हिंदू का करना है। धर्मांतर किसका करवाना है? हिंदू का करवाना है। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बताइए? इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है जिस प्रकार से इस देश के अंदर धर्मांतरण हो रहा है कहीं ना कहीं बहुसंख्यक अल्पसंख्यक में तब्दील हो जाएंगे। ये मेरे वर्डिंग है, इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है मैम कि जो रोहिंग्या हैं, जो शरणार्थी हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, इनको बाहर निकालो। इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है, अभिषेक ठाकुर थोड़ी बोल रहा है, कह दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट झूठा है। आखिर रजा देखिए, पुलिस को और प्रशासन को चेतावनी देते नजर आ रहे हैं कि 21 जुलाई को किसी भी हालत में हिंदू युवक युवतियों का धर्मांतरण करा के ब्याह कराया जाएगा। ये देखिए, वो दो कौड़ी का आदमी है, बेवकूफ़ है, पढ़ा लिखा जाहिल, सुना होगा आपने तो, वो पढ़ा लिखा जाहिल है, तोकीर रजा फजा, इसको कुछ नहीं पता, भारत के बारे में कुछ नहीं जानता, ये अपने धर्म के बारे में भी नहीं जानता। इसको एक हाइप क्रिएट करनी थी, कुछ इस देश के अंदर स्लीपर सेल हैं, जैसे तोकीर रजा एक स्लीपर सेल है, ये माहौल तैयार करते हैं अपने लिए कि मैं लाइमलाइट में बना रहा हूँ, मैं न्यूज़ों में बना रहा हूँ। पर इन जैसे स्लीपर सेलों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, कभी ये अपनी बहन बेटियाँ बचाएं, ये दूसरों की छोड़ें, ये अपनी बचा लें, वही बहुत बड़ी बात है। आप देखिएगा, वो दिन दूर नहीं जब तोकीर रजा की बेटी कैसे अभिषेक के साथ भाग जाएगी। ये दूसरे के शादी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के घूम रहे हैं, ये पहले अपना घर बचाए, दूसरे का ब्याह तो बाद में कराएंगे। और तोकीर रजा कौन होता है इस देश के अंदर किसी का ब्याह कराने वाला, किसी का धर्मांतरण कराने वाला? अरे मौलाना है तो 7 टाइम की नमाज अदा कराए, बताए 72 यूरो कैसे मिलेंगी? ये बताए किस टाइम नमाज पढ़नी है, किस टाइम मुंह धोना है, कैसे हाथ धोने, कैसे पाँव धोना है, कैसे फरिश्ते मिलेंगे, ये बताए? ये आकर के यहाँ सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहा है, ये देश में दंगे करवाने का काम कर रहा है। अब तोकीर रजा अनपढ़ आदमी है, तोकीर रजा ध्यान से बेटा, 21 जुलाई से पहले अभी बहुत दिन, 4 दिन रह गए हैं, इधर उधर ध्यान से चलना, कोई साइड में कुछ बहुत कुछ हो सकता है इस देश के अंदर। आपने देखा इस देश के अंदर प्रधानमंत्री जी की भी हत्या हो गई, तो तोकीर राजा कोई बड़ा आदमी नहीं है, मैं उसके बारे में कुछ बोल नहीं रहा हूँ, बस ऐसे आप चेतावनी दे रहे हैं ऑन कैमरा। मैंने सिर्फ आपके ऊपर कुछ हो जाएगा, देश के प्रधान, मेरे ऊपर एक्शन हो जाएगा मैडम? ये 2 करोड़ के आदमी, ऐसे बहुत एक्शन हमने देखे हैं, एक्शन होना भी चाहिए। पर मैंने तो ये नहीं बोला तोकीर राजा को मैं कुछ कर दूंगा। क्या इस देश के अंदर किसी प्रधानमंत्री की हत्या नहीं हुई? आप बताइए, हुई कि नहीं हुई? देखिए, कई प्रधानमंत्रियों की हत्या हुई कि नहीं हुई? प्रधानमंत्री की हत्या के बाद कितने दंगे भड़के हैं? तो आपकी स्टेटमेंट के बाद क्या हो जाएगा? तोकीर रजा एक स्लीपर सेल, मुस्लिम स्कॉलर है वो, इस्लाम धर्म के प्रचारक है वो। देखिए, अगर वो तोकीर रजा इस्लाम धर्म का प्रचारक है तो आपको हम क्या दिखाई दे रहे हैं? हम तो स्लीपर सेल दिखाई दे रहे हैं। तोकीर रजा इस देश का स्लीपर सेल है, आपको इस बात को जानना पड़ेगा। अभी देखिए, महीना 2 महीने रुकी, योगी आदित्यनाथ जी, मैं तो मुख्यमंत्री जी से आवेदन करना चाहता हूँ, इसकी कुंडली खोलो, ये पाकिस्तान से फंडिंग लेके ड्रामा मचा रहा है भारत के अंदर, ये कुछ दिन में जेल जाएगा। ऐसे आजम खान को भी भगवान बना रखा था, खुदा है ये आजम खान, गरीबों का मसीहा है, पर आजम खान भेड़ी चोर है,
इस बात को साबित हुआ नहीं। आजम खान एक किताब चोर है, लाइब्रेरी से 5000 किताबें चुरा ली, ये साबित हुआ नहीं। आजम खान एक भैंस चोर है, ये साबित हुआ कि नहीं हुआ। ज़्यादा दिन नहीं है, इसकी भी गर्मी ठंडी हो जाएगी। बाबा जी की नगरी में देरी है, अंधेरी नहीं है। ये तोकीर रजा फजा और ये कोई एक वो दो कोड़ी का वो बना रखा है क्या, जमीयत उलेमा हिंद, जो आतंकवादियों के केस लड़ती है। कोई नहीं, देख लेंगे। अच्छा अच्छा, मैं एक मिनट, ये लास्ट सवाल, यदि आपके सामने कोई आके जय फिलिस्तीन के नारे लगाता है तो आप क्या करेंगे? कोई मेरे सामने आकर अगर जय फिलिस्तीन का नारा लगाता है तो उसको उसी की भाषा में जवाब दूंगा जिस भाषा में वो सुनना चाहता है। ये रैप्टा देखा है, ये इजराइल, इस पर नक्शा पे, इस पर इजराइल छपवाऊंगा और उसके गाल पे चिपका दूंगा, क्योंकि गांधी जी ने बोला था कि कोई एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा आगे कर दो। अच्छा, तो हमने ये चीज़ नहीं सीखी, लेकिन हम गोडसे वादू हैं, वादी हैं। हमारे एक गाल पे कोई चाटा मारने का प्रयास करेगा, उससे पहले ही उसका दूसरा हाथ से लहराते हुए इजराइल का नक्शा छाप देंगे गाल पे। अच्छा, कल जो मुहर्रम के जुलूस में जय फिलिस्तीन के नारे लगे, झंडे फहराए हैं, तब आपका क्या एक्शन रहा इसके ऊपर? ओवैसी जी के तो घर के पास आप पहुँच गए उनकी सुरक्षा में सेंध करने। देखिए, कहीं ना कहीं जो कुछ स्लीपर सेल इस देश के अंदर अगर वो सोच रहे हैं कि इस देश का माहौल ख़राब करेंगे तो इनके बस की बात नहीं है। और मैं तो प्रशासन से कहना चाहता हूँ, जो जिस भाषा में समझे उसको उस इस भाषा में जवाब दो। अगर भारत के सुरक्षा में, भारत के सम्मान में कोई सेंध लगाने का काम करेगा तो वो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाएंगे। बातों से समझेगा तो बातों से समझाएंगे, अगर लातों से समझेगा तो लातों से समझाएंगे।